हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू फॉर्म में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया के टॉप 3 4G फोन के बारे में, जो कि आप 2022 में बाय कर सकते हो। इन फोन के अंदर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो और इनके अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी एक नोकिया का 4G फोन बाय करना चाहते हो तो आज की वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन फोन का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपको इन फोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, क्या इनका प्राइस है। तो बिना देरी करते हुए चलिए चलते अपनी वीडियो की ओर। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। इस फोन के अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगा। इसकी हाइट है 124.7 mm, विड्थ है 51 mm की और थिकनेस है 13.7 mm की। इसका वेट है 90 grams। और अगर हम बात करें कलर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक, क्लासिक ब्लू, मेटेलिक सैंड। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको 2.4 inch की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पर 240x320 पिक्सल रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज की। इस फोन के अंदर आपको 64 MB की रैम मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पर 128 MB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 32 GB तक मेमोरी कार्ड लगा के। इस फोन के अंदर यूनिसॉक का UMS9117 प्रोसेसर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कैमरा की। इस फोन के अंदर आपको 0.3 MP का VGA कैमरा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की। इस फोन के अंदर आपको डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ और USB कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आपको ये फीचर कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम आते हैं मल्टीमीडिया वाले सेगमेंट में, कि आपको इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर आपको वायरलेस FM रेडियो, लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक, वीडियो प्लेयर, रिंगटोन, म्यूजिक, गेम्स, ब्राउजर, फोन बुक, कैलकुलेटर, स्टॉपवॉच, कैलेंडर और अलार्म जैसे सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी की। इस फोन के अंदर आपको 1150 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी आराम से 1 से 2 दिन चल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो ये फोन आपको अराउंड 3700 rupees के मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। इस फोन के अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगा। इस फोन का वेट है 104.7 ग्राम और ये फोन लुक वाइज काफी अट्रैक्टिव सा लगता है देखने में। इस फोन के अंदर आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, चारकोल, व्हाइट और ग्रीन कलर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको 2.4 inch की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और आपको यहाँ पर 240x320 पिक्सल देखने को मिल जाते हैं 4:3, और साथ में आपको 167 PPI डेंसिटी मिल जाती है। इस फोन के अंदर आपको 512 MB की रैम मिल जाती है और साथ में आपको यहाँ पर 4GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि कीपैड मोबाइल के हिसाब से काफी ज्यादा है और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड लगाकर 32 GB तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा की। इस फोन के अंदर आपको 0.3 MP का VGA कैमरा देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश। अब हम बात करते हैं OS की। इस फोन के अंदर आपको काई OS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता काई OS क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी काम आप स्मार्टफोन में करते हो वो सारे काम आप इस फोन में कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस फोन के अंदर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल असिस्टेंट जैसे सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ आपको यहाँ पर वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट का फीचर भी मिल जाता है। तो आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 210 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे एड्रीनो 304 GPU भी मिल जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB, 3.5 mm ऑडियो जैक और लाउड स्पीकर जैसे सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और आप इस फोन के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट जैसे सारे फीचर्स भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी की। तो इस फोन के अंदर आपको 1500 mAh की रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की। तो ये फोन आपको अराउंड 7000 rupees के मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की। इस फोन के अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगा और इसका वेट है 110.2 ग्राम। इस फोन के अंदर आपको 4 कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और गोल्ड कलर, और इसके अंदर आपको नोकिया की ब्रांडिंग मिल जाती है और जो इसका लुक है वो भी काफी अट्रैक्टिव सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको 2.8 inch की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ में आपको यहाँ पर 240x320 पिक्सल 4:3 रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको यहाँ पर 143 PPI डेंसिटी भी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। तो फोन के अंदर आपको 512 MB की रैम मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पर 4GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 32 GB तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इस फोन के अंदर आपको काई OS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब यह है कि आप इस फोन के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल असिस्टेंट जैसे सारे ऐप यूज कर सकते हो। तो आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो नीचे जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 210 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे एड्रीनो 304
GPIO भी मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा की। इस फोन के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का VGA कैमरा मिल जाता है विद LED फ्लैश। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। इस फोन के अंदर आपको वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB, 4G कनेक्टिविटी, साथ में लाउड स्पीकर और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पर KaiOS का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है जिससे कि आप अपने फोन में Facebook, WhatsApp, YouTube जैसे सारे एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी की। तो इस फोन के अंदर आपको 1500mAh की रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो ये फोन आपको अराउंड 7500 के अप्रोक्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे नोकिया के 4G कीपैड फोन जिनके अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे Facebook, WhatsApp, YouTube जैसे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई फोन पसंद आता है तो आप उसे जाकर बाय कर सकते हो। और आपको इनमें से कौन सा फोन पसंद आया मुझे कमेंट कर जरूर बताना, या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।